मैं गारंटी देती हूँ, इस तरह से शादी में तैयार होकर जाओगे ना, तो सब लोग दुल्हन की बजाय आपको ही देखने वाले हैं। ऑल्सो अगर आप चाहती हो कि आप भी मेरी तरह बहुत ही ज्यादा प्यारे लिखो, अगर आपकी अभी भी शादी हुई है, किसी और की शादी अटेंड करने वाले हो, तो डेफिनेटली इस लुक को जरूर से रिक्रिएट करना। कलर्स के साथ हेरा फेरी कर सकते हो, अगर आपकी कलर स्कीम अलग है तो आप अलग कलर चूज कर सकते हो अपने आईलिड के ऊपर, लिपस्टिक के ऊपर। बट अगर आप ये टेक्निक यूज करने वाले हो मेरी मेकअप की, तो डेफिनेटली आपका मेकअप जो है बहुत 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 अच्छा लगेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं आप लोगों के साथ एक फाउंडेशन का रिव्यू करने वाली हूँ, विच इज फ्रॉम फॉरएवर 52। यू कैन से दिस इज देयर प्रो आर्टिस्ट अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। और ये वाली जो लुक है मैंने रिक्रिएट की है, लाइक रिक्रिएट इन द सेंस, रिसेंटली आई वेंट टू अ शादी। ऑफ कोर्स इस साल जितनी शादियां हुई है, और भूले भटके एक हमें भी आई गई थी शादी। सो मैंने रिसेप्शन अटेंड किया था, शादी पे मैं जा नहीं पाई थी, तो रिसेप्शन में मैंने ये वाला सूट पहना था, जो खुद कपड़ा लेके एवरीथिंग लाइक स्क्रैच से स्टिच करवाया है। एंड मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगी जो सूट है मेरा। और आजकल पाकिस्तानी दुपट्टों का बहुत ज्यादा ट्रेंड है ना, तो इस वजह से मैंने इस सूट को पहना, एंड मतलब इस सूट को स्टिच करवाया था। एंड आई रियली लाइक माय आउटफिट, और उसी से इंस्पायर होकर आज का ये लुक मैंने रिक्रिएट किया है। मैंने शादी पे भी मेकअप लुक किया था इसी के साथ, थोड़ा मिलता जुलता। बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स भी यूज किए थे, लेकिन दैट टाइम मैंने यूज किया था फाउंडेशन स्मैश बॉक्स का। आज मैंने यूज किया ये वाला फाउंडेशन, जो आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैंने ट्राई किया है। एंड आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। ऑल्सो वीडियो में फाउंडेशन का रिव्यू भी है, थोड़ा सा मैंने फाउंडेशन थोड़ा सा बताया भी है कि अगर आप लोगों का फाउंडेशन फट जाता है, आपका मेकअप थोड़ा सा फट जाता है, या अगर आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा मैंने बात की है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगी। आप लोगों को भी मेरे से ये भी शिकायत है कि थोड़ी शॉर्ट वीडियोज बनाओ, तो जब मैं वॉइस ओवर करके वीडियो बना देती हूँ 10-15 मिनट की वीडियो में मतलब खत्म हो जाता है, कई बार 12 मिनट की वीडियो होती है। बट जब मैं बोल के वीडियो बनाती हूँ, हर चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ, तो नेचुरली वो थोड़ी सी लंबी हो ही जाती है। तो बस मैं क्या बोलूँ, लंबी हो जाती है, बट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहती है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी ट्राई करती हूँ कि आप लोगों के लिए मेरी हर वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे, बहुत ज़्यादा अगर आप अपना टाइम स्पेंड करते हो मेरे चैनल के ऊपर, तो वो काफ़ी यूजफुल रहे, वर्थ रहे आप लोगों के लिए। इस दुपट्टा को पिन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये थोड़ा सा हैवी भी है। ऑल्सो दिस दुपट्टा इज लाइक इन दिस काइंड ऑफ सिल्क मटेरियल, इसके ऊपर मिरर का वर्क किया हुआ है, बहुत ही प्रिटी दुपट्टा है ये। और इसको मैंने GTB मार्केट, लुधियाना में रहते हो, गुरुतेग बहादुर मार्केट है, GTB मार्केट वेरी फेमस फॉर कपड़ों के लिए, स्पेशली अगर आपको सूट्स वगैरह स्टिच करवाने हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स आपको मिल जाते हैं। एंड या दैट्स दैट, मुझे बहुत मज़ा आया इस लुक को क्रिएट करने में। ऑल्सो इस सूट को स्टिच करवाने में मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। वैसे डिज़ाइनिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वेस्टर्न भी अच्छा है लगता है, लेकिन इंडियन वेयर की एक अलग ही बात रहती है। सो या दैट्स दैट। आज मैंने फटाफट से बस लोबन जूड़ा बना लिया, पिछली बार जब मैंने किया था तो मैंने गजरा लगाया था आर्टिफिशियल वाला। सो यार ज्वेलरी भी थोड़ी सी चेंज है, बिकॉज वो वाला जो ज्वेलरी सेट है वो नीचे पड़ा है। अभी मैं अपने स्टूडियो में मेकअप कर रही हूँ, तो अभी रात के कुछ 12-1 बज रहे होंगे, तो मैंने सोचा ये वाली कोई बात नहीं पहन लेती हूँ, ये भी बुरी नहीं लग रही, अच्छी लग रही है। सो चलो 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 जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। ओके जी, आई विल स्टार्ट माई मेकअप राइट नाउ। और अभी ना अगर पीछे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आए ना, तो उसको बैकग्राउंड म्यूजिक समझ के ना मतलब बर्दाश्त कर लेना। मैं फेस वॉश किया था डॉट एंड की के डीप पोर क्लीन मिल्की फॉर्म क्लेंजर से। दिस इज लाइक वेरी नाइस पोर क्लेंजिंग वाला फेस वॉश। बट हाँ, अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, थोड़ा सा ड्राई कर देगा। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, तो इतना मेरी स्किन के ऊपर इसने कोई इतना ड्राई नहीं किया है। और उसके बाद भी मैंने अप्लाई किया था ये गोल्ड फेस मास्क, ब्राइटनिंग जेल मास्क। आई रियली लाइक दिस जेल मास्क फ्रॉम गुड वाइब्स। इसको मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, एकदम आपकी स्किन ना मतलब डिटॉक्सीफाई कर देता है ये वाला मास्क। इट्स लाइक
लिक्विड गोल्ड एंड मेरे पास पिलग्रिम का भी है, वो भी काफी अच्छा, वो भी बहुत अच्छा है. ऑल्सो दिस इज वेरी 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 नाइस प्रोडक्ट फ्रॉम गुड वाइब्स. गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स यू नो अच्छे ही रहते. ट्राई करूंगी ये वाला सीरम विच इज लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस सीरम 98% प्योर नायसनामाइड. यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इस सीरम को यू नो मेकअप से पहले आप अप्लाई करते हो ना तो आपको ये बहुत अच्छा एक ग्लो देता है. सी इसका ड्रॉपर परफेक्टली काम कर रहा है. नायसनामाइड एज एन इंग्रेडिएंट आई रियली लाइक बिकॉज मेरी स्किन के ऊपर एक्ने मार्क्स है और नायसनामाइड जो है स्पेसिफिकली एक्ने मार्क्स के ऊपर काफी अच्छे से काम करता है. ओके मैं ना ये नेल्स लगाए हैं मैंने, तो मैं क्लिप्स ऐड कर दूंगी. 50 रुपीज की ये नेल्स हैं, ठीक है. इसका पैकेज मैंने फेंक दिया, यहाँ पे दिखा दूंगी मैं. 50 रुपए के नेल्स हैं ये, लोकल मार्केट से रेंडमली परचेज किए मैंने. और लास्ट वीडियो में जो नेल्स लगाए थे ना मैंने, जिसके बारे में आप लोगों ने कॉमेंट किया था, वो मेरे यू नो एक मेरी एक ही दुकान है जहां से मैं नेल्स खरीदती हूँ और वो 260 रुपीज या 270 रुपीज के आते हैं. वो जेल नेल है, ये तो बहुत चीप क्वालिटी के नेल्स है. यू कैन सी वन टाइम यूज के लिए इट्स लाइक ओके ओके, क्योंकि इनको मैंने शादी में भी लगाया था लेवेंडर कलर में, फ्रेंच लेवेंडर कलर था उसका, बट वो मतलब आते आते शादी से वापस आते आते टूट गए थे. कॉमेंट भी ये भी क्या था कि थोड़ी शॉर्ट वीडियोज बनाया करो. देखो जब बातें करती हूँ ना मैं, जब बोल के वीडियो बनाती हूँ, एडिटिंग में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम जाता है यू नो जब मैं बोल के वीडियोस बनाती हूँ, बिकॉज वॉइस ओवर वीडियोस में इतना टाइम नहीं आपको लगता, बट क्या करूँ फिर मेरी बातें निकलती जाती है, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाती हूँ. ओके जी रिसेंटली मुझे कमेंट एक और आया था, लेट मी एड्रेस दैट. सो किसी ने मेरे से पूछा कि ऑयली स्किन वाले का ही कमेंट था. मेरी स्किन बहुत स्वेटी स्किन हो जाती है, चाहे मैं मॉइस्चराइजर लगाऊँ चाहे मैटिफाइंग प्राइमर लगाऊं, फिर भी स्वेटिंग होती है और मेकअप फट जाता है, बहुत परेशान रहती हूँ. इसका एक कारण बड़ा ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स लगा रहे हो. जरूरी नहीं है कि ऑयली स्किन है तो आपने 100% प्रोडक्ट्स आप मैटिफाइंग ही चूज करने हैं. मान लीजिए आपकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन है, मैटिफाइंग फाउंडेशन ले लो, मैटिफाइंग प्राइमर ले लो, लेकिन आपका मॉइस्चराइजर जो होना चाहिए वो भी मैट नहीं होना चाहिए. आप अच्छा सीरम अप्लाई करो, बिकॉज सीरम तो वैसे भी वाटर बेस्ड होते हैं यूजली, ठीक है, तो वो स्किन में जल्दी से पेनेट्रेट हो जाते हैं, पतली कंसिस्टेंसी रहती है. उसके बाद मेक श्योर कीजिए कि अच्छा मॉइस्चराइजर लगाओ, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाओ, बट डोंट यूज यू नो मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर. बहुत सारे मैट जो ऐसे लिखा होता है ना कि जिन के ऊपर मैट मॉइस्चराइजर, अगर आप मैट मॉइस्चराइजर मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो अंडरनीथ योर मेकअप, तो आपका डेफिनेटली फाउंडेशन फटेगा ही, बिकॉज आपकी स्किन को हाइड्रेशन नरिशमेंट मॉइस्चराइजेशन की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है जब आप मेकअप करते हो, जब आप मैटिफाइंग फाउंडेशन लगाते हो, ठीक है. तो अभी नाउ यू कैन सी मेरी स्किन के ऊपर इतना ज्यादा कुछ स्टिकी हैवी बेस नहीं है और ना ही मेरी स्किन कोई मैटिफाइंग लग रही है, ठीक है. तो बैलेंस बना के चलना चाहिए, एक चीज आपने अगर मैटिफाइंग लगाई है तो दूसरी चीज आप थोड़ा सा हाइड्रेटिंग अप्लाई कर लो. तो इस तरह से मैं भी मैनेज करती हूँ. ओके जी उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी हमारा ये ग्रीन टी प्रोबायोटिक्स रिपेयरिंग मॉइस्चर बैरियर मॉइस्चराइजर फ्रॉम इनिसफ्री. दिस इज नॉट सो अफोर्डेबल प्रोडक्ट, बट क्या करूं मुझे ये बहुत 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 ज़्यादा पसंद है. ऑल्सो इस सर्दी के मौसम में, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. देखो वैसे तो मेरी स्किन ऑयली है, ठीक है, तो अभी ठंड ज़्यादा पड़ रही है पंजाब में, तो इस वजह से ना मतलब ड्राई वेदर हो रहा है. ठंड तो है लेकिन उसी के साथ ड्राई वेदर हो रहा है, एंड उस वजह से ना यू कैन सी मेरे हाथ कितने ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं. जितना मर्जी मैं इनके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा लूँ फिर मेरे हैंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जा रहे हैं. तो ड्राइनेस की वजह से लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं, फेस बहुत ड्राई हो रहा है, स्किन हमारी में पानी भी, अब देखो सर्दियों ना ऑटोमेटिकली जितना मर्जी आप सोचो प्यास उतनी नहीं लगती, तो बॉडी भी डिहाइड्रेटेड हो जाती है. अप्लाई करूँगी ये द प्रोफेशनल प्राइमर फ्रॉम बेनिफिट. यू कैन सी दिस इज हाइड्रेटिंग वाला प्राइमर लूंगी. इतना सा सिर्फ पी साइज अमाउंट आपने प्राइमर का लेना होता है, बहुत ज्यादा प्राइमर भी अप्लाई मत करो, ओके, वरना आपका आपने पहले मॉइस्चराइजर लगाया फिर प्राइमर लगाया तो वो पील ऑफ होना भी शुरू हो जाता है, ठीक है. तो हर चीज को देखो मेकअप में ना हमेशा लेस इज मोर, आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन उसके ऊपर अमल भी करो क्योंकि लेस इज मोर जब आप मेकअप अप्लाई करते हो, ठीक है. आप कम कम प्रोडक्ट में अप्लाई करोगे, चाहे आपकी ड्राई स्किन है ऑयली स्किन है, तो वो उतना ही अच्छे से काम करेगा. बट हाँ मैटिफाइंग प्राइमर अगर आपकी स्किन टी जोन एरिया स्पेशली अगर आपकी ऑयली है तो मैटिफाइंग प्राइमर वहीं वहीं पे अप्लाई करो, बहुत ज्यादा हर जगह पे फैला मत दो हर चीज.
अब जो बच गया है उसको मैं आराम से यहाँ तक थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी, बिकॉज मेरी ना क्रीज लाइंस है मेरी अंडर आइज के पास, तो वहां पे समटाइम्स कंसीलर थोड़ा क्रीज होना शुरू हो जाता है। आई एम गोना अप्लाई दिस फाउंडेशन, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, यू नो आप लोगों की वजह से मैं यूनिट प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ। अभी एक लड़की कमेंट करती है जेन एंड माइजा का फाउंडेशन रिव्यू करो, वो भाई वो मेरे एरिया पिन कोड एरिया में डिलीवर ही नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो, अमेजोन से मैंने दो बार ऑर्डर प्लेस किया लेकिन वो आ ही नहीं पा रहा। मैंने नायका से यू नो सर्च किया, नायका के ऊपर भी नहीं मिल रहा, और मैंने मिंत्रा के ऊपर भी ट्राई किया था, मिंत्रा के ऊपर भी फाउंडेशन वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँ, अमेजोन के ऊपर मैंने दो बार ऑर्डर प्लेस किया लेकिन वो आया ही नहीं, मेरे तक पहुँच ही नहीं पाया। सो प्लीज़ आप बार बार अगर बोलते तो मुझे भी बुरा लगता है कि मैं आपकी विश को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं क्या करूँ, आई कॉन्ट हेल्प ना। ठीक है चलो आज फाउंडेशन इसकी बात करते हैं। लुक एट दिस पैकेजिंग, आई रियली लाइक दिस पैकेजिंग, यू नो एक तो मुझे ये बड़ा पैसा वसूल लगा पैकेजिंग वाइज। ठीक है ये कुछ 1400 समथिंग का फाउंडेशन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ मैं एग्जैक्ट प्राइस डाल दूंगी। इसको बाय द वे मैंने लिया है मिंत्रा से, लेट मी सी द प्राइस। मैं बहुत बार परचेजिंग करती हूँ मिंत्रा से, बिकॉज मिंत्रा के ऊपर जब भी आपके यू नो पॉइंट्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, बिकॉज आई एम लाइक आइकॉन मेंबर, तो इस वजह से ना मुझे बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं, लाइक फटाफट से प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है। और मिंत्रा सबसे बढ़िया ऐप है, अगर आप रिटर्न आप डालते हो ना तो इंस्टेंटली रिटर्न हो जाता है, रिफंड भी आपका यू नो जल्दी से आ जाता है। ओके ये मुझे पड़ा है 1451 रुपीज का, यू कैन सी। ठीक है 1451, 1450 रुपये का फाउंडेशन है ये तो या, लेकिन ये फाउंडेशन की मैंने बहुत सारे रिव्यू चेक किए अपना यू नो रिव्यू करने से पहले कि लोगों को कैसा लगा, अलग अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली इसका यू नो लोगों का क्या परसेप्शन है या क्या है, तो इस वजह से। ठीक है और आज हम बिल्कुल भी कोई कलर करेक्शन नहीं करने वाले हैं, बिकॉज यूजली मैं अपने माउथ के अराउंड थोड़ा सा कलर करेक्शन कर लेती हूँ, बट टुडे आई एम गोना टेस्ट आउट दिस फाउंडेशन। यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ऑफकोर्स दिस हैज दिस ब्यूटिफुल पंप, मुझे पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी। और मैंने फॉरएवर 52 के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं किए हैं, मैंने इसका अनदर जो फाउंडेशन आता है ना बस वो ही ट्राई किया है, इसको मैंने अच्छे से शेक कर लिया है, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। ओके इट्स नॉट वेरी थिक, इट्स लाइक मीडियम सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, वैसे थोड़ा सा तो लिक्विड ही है ये। थोड़ा सा येलोइश अंडरटोन में है बट दैट्स नॉट एन इशू फॉर मी, मेरी स्किन ज्यादा येलो या वॉर्म टोन में ही शेड जो रहते हैं वो काफी ज्यादा मैच करते हैं। कैमरा के ऊपर ना ये शेड जो है ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा मेरी स्किन के ऊपर, बट एक्चुअल में इट्स लुकिंग वेरी नाइस। यू नो कैमरा में ये ज्यादा येलोइश दिख रहा है आई थिंक रिंग लाइट की वजह से, बट अभी रात के टाइम पे मैं बाहर भी नहीं जा सकती हूँ, बिकॉज डे टाइम में तो मैं आप लोगों को दिखा देती होती हूँ। ओके इफ यू आस्क मी अबाउट दिस ब्यूटी ब्लेंडर, दिस इज फ्रॉम रियल टेक्निक, यू कैन सी हेयर, ये रियल टेक्निक का ब्यूटी ब्लेंडर है, इट इज लाइक एब्सोल्युटली माई फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर। ये मैंने अमेजोन से लिया था, अमेजोन का पूरा सेट लिया था तो उसमें मुझे मिला था। दूर से ये कुछ इस तरह से लगता फाउंडेशन। ओके नाउ लेट्स नॉट टॉक अबाउट शेड, बिकॉज शेड अभी जो दिख रहा है कैमरा के ऊपर ऐसा शेड नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरी स्किन के ऊपर। ठीक है इट्स लाइक ट्रू टोन टू माई स्किन टोन, ओके सो इट्स ट्रू मैच टू माई स्किन टोन। तो बात करेंगे फाउंडेशन की फिनिश के बारे में, यू कैन सी इट हैज डेमी मैट काइंड ऑफ फिनिश, मैटिफाइंग ही है ये फाउंडेशन, इट्स नॉट लाइक योर ड्यूई फाउंडेशन। ठीक है तो ये इसकी जो कवरेज है वो मैटिफाइंग है, इसकी जो फिनिश है वो मैटिफाइंग है। ओके बिकॉज आगे मैं जाके इसको कॉम्पैक्ट के साथ भी सेट करूंगी, लूज पाउडर के साथ सेट करूंगी तो ये और भी ज्यादा मैट हो जाएगा। सो या इट्स नॉट योर ड्यूई काइंड ऑफ फाउंडेशन। ओके सो मिंत्रा के ऊपर तो इसके 8 शेड्स अवेलेबल दिखा रहा है अभी, आई डोंट नो इसका यू नो इस एग्जैक्टली इसमें कितने शेड्स अवेलेबल, मैं आपको स्किन के ऊपर डाल दूंगी। सो या इट्स लुकिंग परफेक्ट ऑन माई स्किन
एंड इट इज वेरी स्मूथ लुकिंग फाउंडेशन. अच्छा, इस फाउंडेशन को ना यूज करके मुझे ना मैक का फाउंडेशन याद आ रहा है. मैक का स्टूडियो फिक्स जो फाउंडेशन है उसकी कवरेज, उसकी फिनिश भी एग्जैक्टली ऐसी है, बट उसकी कवरेज थोड़ी सी लेस है इससे. इट इज लाइक मोर फुल कवरेज. ओके जी, अब मैं अप्लाई करूंगी ये कंसीलर. दिस इज इनफेलिबल फुल वेयर कंसीलर. अभी हम पूरा मेकअप कंप्लीट करेंगे ना, तो हमें ज्यादा पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कैसे पाउडर्स वगैरह या हर चीज कैसे काम करती है. एंड आई एम इन द शेड 312 एम्बर. नाउ यू कैन सी ये काफी ज्यादा यू नो हाइलाइटिंग सा शेड है, तो मैं जिससे मैंने अपना फाउंडेशन ब्लेंड किया ना उसी के साथ मैं इसको ब्लेंड करूंगी, तो शेड जो है वो थोड़ा सा टोन डाउन हो जाएगा. अभी हाइलाइटिंग शेड जो कंसीलर्स हम लगाते हैं ना, उसको जहां पे जिस पर्पज के लिए अप्लाई किया है बस वहीं पे ब्लेंड करो, उसको फैलाओ नहीं हर जगह पे. अभी ना मुझे इतना ज्यादा फील नहीं हो रहा कि मैं इस फाउंडेशन को सेट करूं, तो मैं लिक्विड ब्लश भी लगा लेती हूँ, लिक्विड प्रोडक्ट्स लगा लेती हूँ. यहाँ पे मैं रेवोल्यूशन का ब्लश लगाऊंगी, ब्लश बॉम. यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड दिस इज इन द शेड रोज लस्ट, एंड दिस इज हाउ द एप्लीकेटर लुक्स लाइक. ब्लश इस साइड पे लगा रही हूँ, अभी थोड़ा सा इधर लगाती हूँ, थोड़ा सा इधर भी. इसे अपने कंसीलर को जो अंडर आईज के पास लगाया है उसको सेट करूंगी विद एल्फ का हेलो ग्लो सेटिंग पाउडर. यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मैं ना बहुत ज्यादा बेक नहीं करती हूं, व्हाट आई डू इंस्टेड थोड़ा सा लूज पाउडर लेके, इतना सा, इट्स लाइक इनफ, अपने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही पाउडर को पिक करती हूँ. देन आई जस्ट पुश दिस पाउडर इनटू माय स्किन. इसके साथ ना आपका जो कंसीलर है बहुत कम चांसेस है कि वो क्रीज करे. कंप्लीट फेस विद दिस निक्स का प्रोफेशनल कॉन्स्टॉप वॉन्स्टॉप पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, मैटफैंग पाउडर इन द शेड टैन. रिलाई ऑन दिस पाउडर जब भी मुझे यू नो लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक्स करना है और या फिर मुझे स्पेशल पार्टी लुक्स करनी है ना. नाउ वी विल मूव ऑन टू ब्लश. ठीक है, ये मैं अगेन यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश, एंड देन ब्रॉन्जर, अगेन मेकअप रेवोल्यूशन वाला ही कॉन्टोर या ब्रॉन्जर के लिए. उसके बाद हाईलाइटर के लिए लूंगी मैं वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकॉन बेक्ड ब्लश. यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसको ऐसे करके पिंच कर लूंगी, ठीक है, ताकि नोज को अच्छे से मैं कॉन्टोर कर पाऊं. ओके, सो एज यूजुअल एट दिस पॉइंट आई एम गोना स्प्रे दिस मिलानी का मेक इट लास्ट सेटिंग स्प्रे. यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट नेचुरल मेकअप करूं, मैं हैवी पार्टी लुक करूं, तो मैं ये स्टेप को जरूर फॉलो करती हूं. मैंने यूज किया था उस दिन मर्करी रेट्रोग्रेड आई शेडो पैलेट. आज भी मैं यही वाली यूज करने वाली हूँ हुडा ब्यूटी की. और इसमें ना बहुत सारे ब्यूटीफुल शेड्स हैं जो मेरे सूट में हैं. सो या इसी को यूज करके मैं आज एक आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ. सबसे पहले मैं यूज करूंगी ये वाला शेड, दिस ब्यूटिफुल शेड, लाइलैक शेड लिब्रा. यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ आई एम गोना अप्लाई दिस शेड क्रीज लाइन पे. ठीक है, थोड़ा सा इसको फिर हम बाद में ब्लेंड करेंगे. आई एम गोना अप्लाई दिस शेड अल्ट्रा वायलेट, दिस ब्यूटिफुल डुओक्रोम शेड अल्ट्रा वायलेट. आई एम गोना टेक दिस शेड हॉट मेस, दिस शेड.
Lastly, I'm gonna apply this dark shade. ब्रश के ऊपर फिर से मैं शेड लूंगी ऑफ बैलेंस, दिस ब्यूटिफुल शेड ऑफ बैलेंस, एंड आई एम गोना ब्लेंड माय एजेस. शेड वोटेक्स, जो डार्क शेड लिया था ना हमने, ये डार्क वाला, ये वाला शेड लेंगे एंड नाउ आई एम गोना अप्लाई हियर. दो काजल लिए हैं, एक मैंने लिया है ये न्यूड शेड में फ्रॉम रिमल लंडन, अदर वन इज फ्रॉम नायका का. इसको रफली यहाँ अप्लाई करना है, वेरी क्लोज, जैसे हम आईलाइनर लगाते हैं ना, बस वैसे ना ब्लेंड दिस काजल. ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे लिया ये न्यूड एंड आई एम गोना फिल दिस इन माय वाटर लाइन. जो आंख है एकदम बड़ी लगने लग गई, अदरवाइज यू कैन सी कितनी छोटी लग रही है. आई एम गोना फिनिश दिस लुक विद मस्कारा एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस लॉरियल का एयर वॉल्यूम मस्कारा. यू कैन सी दिस मस्कारा इज माय फेवरेट. इसको उतारने में ना ज्यादा मेहनत नहीं लगती है. एक न्यूड काजल आपके पास होना ही चाहिए. वो जमाना गया जब ब्लैक 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 हुआ करता था, अभी तो ब्लू काजल आ गया है, पिंक काजल आ गया है, बट माय फेवरेट लाइक इज न्यूड. ओके, मैंने आईलैशेज अप्लाई कर ली हैं एंड ये आईलैशेज है पैक की. पैक आईलैशेज आर बेस्ट. लिपस्टिक की एंड सबसे पहले मैं लिप्स को लाइन करूंगी वेट एंड वाइल्ड का, मेरा कल्ट फेवरेट लिप लाइनर इन द शेड चेस्टनट. लिपस्टिक आई हैव दीज टू शेड्स, माय फेवरेट शेड. एक तो है ये रेट्रो मैट लिक्विड लिप कलर इन द शेड आई थिंक ब्रांडी जो है, एंड अनदर शेड इज 08 एल्कर फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स. आई रियली लव दिस ब्यूटिफुल शेड, शेड शुगर का है. थोड़ा सा मिक्स करूंगी मैं इसमें शेड ब्रांडी. That's that. तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसे यू नो हेयर स्टाइल किया है, फटाफट वाला हेयर स्टाइल किया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया. तो मैंने फटाफट से यू नो अपने ज्वेलरी पहनी है, आई लैशेज लगाई हैं एंड लोबन जूड़ा बना लिया. Ouch. Yeah. So this is my look. I am loving my makeup for especially this foundation. This foundation is looking so good on my skin, textured skin, and now you can see it's looking absolutely perfect. पहले थोड़ा सा yellowish लग रहा था, अब थोड़ा light को मैंने पीछे करके लगाया तो काफी बेहतर लग रहा है पहले से ये वाला. You can see. I really like this foundation. मुझे foundation की coverage काफी अच्छी लगी, थोड़ा सा expensive है, but ये वाला foundation को अगर मैं बोलूँ ना तो ये वाला foundation है party appropriate. It's not like your everyday वाला foundation. ये सिर्फ बना है शादियों के लिए या special occasions के लिए. अगर आप MAC वाला foundation afford नहीं कर सकते हो, महंगे हाईब्रेंड हाई क्या बोलते हैं उसको, लग्जरी ब्रांड्स वाले या फिर बोल सकते हैं हाई एंड ब्रांड के फाउंडेशंस आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो आप ये फॉरएवर 52 का प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन ट्राई कर सकते हो, बिकॉज इसकी सिमिलर फिनिश है, कवरेज इसकी काफी अच्छी है, प्राइस पॉइंट थोड़ा सा लाइक है हाई एक्सपेंसिव साइड में है, बट दैट्स ओके बिकॉज आपको शेड रेंज भी मिल जाएगी, आपको इसकी फिनिश अच्छी मिल जाती है एंड ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है. सो नाउ यू कैन सी
अच्छा थोड़ा सा ट्रांसफर टेस्ट भी कर लेते हैं। यूजली जो रहता है ना फाउंडेशन रहता है वो यहीं से जाता है, अपर लिप्स के पास से मेरा फाउंडेशन। ओके थोड़ा बहुत ट्रांसफर हो रहा है आई गेस, वो मैंने पाउडर्स वगैरह लगाए थे ना वो भी सेट ट्रांसफर हो रहे हैं, थोड़ा सा ट्रांसफर हो रहा है बट इट्स प्रिटी कंफर्टेबल ऑन माय स्किन। ठीक है तो मैंने इसको ऑफ कैमरा अप्लाई किया था, ये मेरी स्किन के ऊपर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है मैंने अप्लाई करके देखा था इस फाउंडेशन को तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है मेरी स्किन के ऊपर। मेरी स्किन टाइप है ऑयली कॉम्बिनेशन, आजकल सर्दियों में नॉर्मल बिहेव कर रही है। दैट्स दैट। ओके जी बाय बाय टेक केयर। अपने बेहतरीन कमेंट्स के साथ ना मुझे जरूर से बताना कि आप लोगों को ये लुक कैसी लगी है एंड आपको मेरी आई मेकअप कैसा लगा है, आप लोगों को यू नो ये प्रिपरेशन कैसी लगी है किसी शादी में जाने के लिए। अगर आप ऐसे लुक को क्रिएट करोगे रिक्रिएट करोगे तो प्लीज मेरे को टैग करना मत भूलना इंस्टाग्राम के ऊपर, तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलती है ना इस चीज से। सो या आई एम प्रीटी हैप्पी विद माय मेकअप लुक, मुझे बहुत अच्छा लगा है एंड या दैट्स इट। बाय बाय, मेरी बातें खत्म नहीं होने वाली। So yeah, that's it for today's video, guys. I will meet you in the next one. Till then, bye and take care. Bye bye, January. Bye bye. एक महीना निकल भी गया, अभी न्यू ईयर आया था और अभी क्या बताएं यार।